दोस्तों, ये कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, देर आए दुरुस्त आए। तो ये कहावत अपने यूपी ट्रिपलसी आयोग पे 100% लागू होती है कि देर आए दुरुस्त तो आए। यूपी ट्रिपलसी आयोग आजकल लगातार अपने परिवर्तनों के कारण चर्चा में बना हुआ है, चाहे वो पीटी एग्जाम को लागू करने की बात हो या फिर आज जो बड़ा परिवर्तन किया उसकी बात हो। क्या नया परिवर्तन किया है यूपी ट्रिपलसी आयोग ने, चलिए देखते हैं। और इसका लाभ आप लोगों को आने वाले समय में जब यूपी ट्रिपलसी का आयोग का पेपर होगा तो उसमें जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, यूपी ट्रिपलसी आयोग के परीक्षा केंद्रों से अक्सर कर इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं कि परीक्षा खत्म होने के बाद में ओएमआर सीट को दोबारा से फिल कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके की गड़बड़ियां अक्सर कर देखने को मिली थी। हालांकि यूपी ट्रिपलसी आयोग ने कभी इस बात को सच नहीं माना और अक्सर कर अपना पल्ला जो है वो ऐसे मामले से झाड़ता रहा कि इस तरीके की घटना होती ही नहीं है। बट यूपी ट्रिपलसी आयोग अब परिवर्तन के मूड में है और आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे भर्तियों में गड़बड़ी रोकने को अभ्यर्थियों के सामने सील बंद होंगी ओएमआर सीट। तो अब परीक्षा खत्म होने के बाद में जितनी भी ओएमआर सीट है सारी स्टूडेंट से कलेक्ट की जाएंगी और उसके बाद में दोबारा से उनको सील बंद कर दिया जाएगा, ताकि इस तरीके के जो भी मामले होते थे ओएमआर सीट को दोबारा भरने के, इन पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सके। और इसके अलावा एक और बड़ा चेंजेस करने जा रहा है यूपी ट्रिपलसी आयोग कि जब भर्ती होती थी तो उस दौरान यूपी ट्रिपलसी आयोग के जो कर्मचारी होते थे उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता था, मतलब अलर्ट मोड पे नहीं होते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब जब भी भर्ती होगी यूपी ट्रिपलसी आयोग की, जब भी एग्ज़ाम चलेगा तो उस दौरान भर्ती से जुड़े कुछ कर्मचारी जो रहेंगे एसटीएफ के नंबर पे सर्व लाइंस पे रहेंगे, ताकि अगर कहीं भी किसी भी सेंटर से इस तरीके की पेपर लीकिंग की घटना या फिर ओएमआर फिलिंग की घटना सामने आती है तो उस पर एक्शन लिया जा सके। तो यूपी ट्रिपलसी आयोग अब पूरे मूड में लग रहा है कि आने वाले समय में इसे वो बहुत ही बेहतर करने जा रहा है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि आने वाले समय में यूपी ट्रिपलसी आयोग की तरफ से जो भी भर्तियां होंगी वो बिल्कुल फेयर तरीके से होंगी। और यही मेन वजह थी कि यूपी ट्रिपलसी आयोग से अब तक ज़्यादातर भर्तियां नहीं निकल रही थी, ठीक है। तो लेखपाल भर्ती भी आने वाली है अगले महीने, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। तो अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना स्टार्ट भी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पे ग्रामीण प्रवेश की किताब का लिंक मैंने दिया हुआ है। और इसके अलावा मेरी बनाई हुई ग्रामीण प्रवेश की जो पीडीएफ है 3-4 बुक्स के कॉम्बिनेशन पर आधारित है, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ पे जा करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है कि यूपी ट्रिपलसी आयोग आने वाले समय में भर्तियों में हो रही धांधलियों पर रोक लगा अपने कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, जो भी आप लोगों को लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।